हेलो एवरीवन, दिस इज 24 सितंबर्स द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। टुडे वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट इवेंट्स एंड इशूज विच आर इम्पोर्टेंट फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। टुडे वी विल डिस्कस मेनली फोर इशूज। द फर्स्ट इशू इज What will hold up women's reservation bill? In this article, we will discuss about women's reservation bill. The second issue is why have India-Canada tensions worsened? In this article, we will discuss the growing tensions between India and Canada relation. The third issue is what are the reasons for rising global debt? In this article, we will discuss some reasons due to which global debt is rising. The fourth issue is Tamil Nadu, Kerala to join hands to count endangered Nilgiri Thar. In this article, we will discuss an endangered Nilgiri Thar. So let's discuss first issue. What will hold up women's reservation bill? इसमें हम women reservation bill के बारे में यहाँ पर important points यहाँ पर discuss करेंगे. Why in news? In a historic move, Parliament passed the Constitution 128 Amendment Bill, commonly referred to as the Women's Reservation Bill, which provides 33% reservation for women in the Lok Sabha and State Legislative Assemblies. Parliament ने अभी एक Constitution Amendment Bill पास किया है और ये जो Amendment है ये 128th Amendment है। इस अमेंडमेंट को वुमेन रिजर्वेशन बिल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत लोकसभा और स्टेट लेवल असेंबलीज के अंदर वुमेन्स को 33% सीट रिजर्व करने की बात कही गई है। ऑन सितंबर 21 द बिल सिक्योर्ड ऑल द वोट्स इन द राज्यसभा अ डे आफ्टर सिक्योरिंग नियर अनएनिमस सपोर्ट इन द लोकसभा। 21 सितंबर को राज्यसभा में सभी मेंबर के वोट के द्वारा इस बिल को पास कर दिया गया था और लोकसभा में भी अनएनिमस तरीके से इसको पास कर दिया है। इट विल नाउ रिक्वायर द प्रेसिडेंट असेंट टू बिकम लॉ। अभी इसको लॉ बनने के लिए प्रेसिडेंट का असेंट अभी बाकी है। What does the bill say? ये जो बिल है इस बिल के अंदर क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं। द नारी शक्ति वंदन अधिनियम एज द बिल इज कॉल्ड सीक टू रिजर्व 1/3 ऑफ द सीट्स फॉर वुमेन इन द लोकसभा द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये जो बिल है इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट के अंदर और 1/3 सीट्स लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इन सभी के अंदर 1/3 सीट इसमें वुमेन्स के लिए रिजर्व की गई हैं। दिस विल ऑल्सो अप्लाई टू सीट्स रिजर्व फॉर एससी एसटी इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर जो सीट एससी एसटी के लिए रिजर्व हैं उन सीट पर भी ये 1/3 का जो फॉर्मूला है इट मीन्स 33% का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा। ऐसे के लिए सपोज 10 सीट रिजर्व हैं किसी स्टेट असेंबली के अंदर तो उन सीट में 5 सीट कंपलसरी कर दिया जाएगा कि उन सीट पर वुमेन ही इलेक्शन लड़ सकती है। द सीट रिजर्व फॉर वुमेन विल बी रूटेड आफ्टर ईच डिलिमिनेशन एक्सरसाइज। जो भी डिलिमिनेशन एक्सरसाइज किया जाएगा हर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद सीट जो रिजर्व है उसका रोटेशन किया जाएगा क्योंकि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज एवरी 10 ईयर के आसपास होता है। यहाँ पर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए यहाँ पर एरियाज फिक्स किए जाते हैं तो हर एक डिलिमिटेशन के बाद सीट्स जो रिजर्व हैं उसका रोटेशन किया जाएगा। वॉज दिस द फर्स्ट अटेम्प्ट टू पास द बिल। अभी जो ये बिल पास किया गया है लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा क्या ऐसा पहली बार हुआ है? इससे पहले भी कुछ अटेम्प्ट किए गए हैं। देर वर सेवरल अटेम्प्ट मेड टू ब्रिंग अबाउट रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ऐसा नहीं है कि पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा या राज्यसभा के अंदर, इससे पहले भी सेवरल अटेम्प्ट किए जा चुके हैं। कुछ अटेम्प्ट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, मेनली 4 अटेम्प्ट यहाँ पर किए गए हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट क्या था? द 81th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा इन 1996 बाय देवगौड़ा लीड यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट।
इट वॉज रेफर टू अ ज्वाइंट कमिटी विच गेव सर्टन रिकमेंडेशन. द बिल फेल टू गेट द अप्रूवल ऑफ द हाउस इन 1997 एंड लेफ्ट लेटर विद द डिसॉल्यूशन ऑफ द लोकसभा. पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन का जब 81th अमेंडमेंट किया गया था उस टाइम पर, इट मीन्स 1996 में लोकसभा के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. उस टाइम पर देवगढ़ गवर्नमेंट थी उस टाइम पर, और लोकसभा के अंदर इसको पास करने के बाद ज्वाइंट कमेटी के पास इसको रेफर किया गया था ताकि कुछ रिकमेंडेशंस उससे मांगी जा सकें. बट लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है 1997 में और इसके साथ ये बिल भी फेल हो जाता है, लैप्स हो जाता है. सेकंड अटेम्प्ट इन 1998 द अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द बिल बट इट लैप्ड आफ्टर द गवर्नमेंट फेल इन 1998 में इस बिल को जिस टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पर भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, बट वो जो गवर्नमेंट थी 1998 में फेल हो गई थी जिसकी वजह से ये बिल लैप्स हो गया. तीसरी बार जो अटेम्प्ट किया गया था, द बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन 1999, 2000, 2002 एंड 2003 बट फेल टू गेट पास्ड. यहाँ पर कई सारे अटेम्प्ट किए गए थे इस बिल को पास कराने के लिए. 1997 में इसको फिर से इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट के अंदर, 2000 के अंदर भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, 2002 में भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और 2003 में भी इसको, इट मीन्स कंटिन्यू 4 साल इसको पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता रहा बट ये पास नहीं हो पाया था. इन 2010 द मनमोहन सिंह लीड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट टेबल द बिल इन द राज्यसभा. हाउएवर द बिल वॉज नेवर टेकन अप फॉर कंसिडरेशन इन द लोकसभा एंड लेफ्ट विद द डिसोल्यूशन ऑफ द 15th लोकसभा. 2010 में भी जिस टाइम पर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी उस टाइम पर भी इस बिल को राज्यसभा में टेबल किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, बट इसके बारे में बाद में कोई कंसिडरेशन नहीं किया गया लोकसभा के अंदर, ये लैप्स हो जाता है. इसका लैप्स होने का वजह है 15th लोकसभा डिसोल्यूशन का होना, उस टाइम पर भी लैप्स हो गया था. हाउ नंबर्स ऑफ MPs एंड MLA इंक्रीज इफ बिल पास. अगर ये वुमेन रिजर्वेशन बिल अगर पास हो जाता है तो लोकसभा का जो सीट है वुमेन्स के लिए इंक्रीज हो जाएगा और साथ में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हो जाएगा. एट प्रेजेंट देर आर 82 वुमेन इन द लोकसभा. आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन देर शुड बी एट लीस्ट 181 वुमेन. प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो लोकसभा के अंदर 82 वुमेन्स अभी रिप्रेजेंट करती हैं. अगर इस बिल को पास कर दिया जाता है तो वुमेन का नंबर एटलीस्ट 181 होना चाहिए. शेयर ऑफ वुमेन विल ऑल्सो इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज वेयर वुमेन नाउ कंप्राइज लेस देन 10% इन 20 स्टेट्स एंड यूटी. स्टेट असेंबली की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में 20 स्टेट और यूटी ऐसे हैं जहां पर असेंबली के अंदर वहां पर वुमेन का जो परसेंटेज है वो 10% से भी कम है. इट मीन्स वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है, 10% से भी कम है, जबकि यहां पर 33% करने की बात की जा रही है. व्हाट लेड द ग्राउंड फॉर द बिल. ये जो बिल है इस बिल का आखिर ग्राउंड क्या है, ये कहां से जनरेट होता है, ये हम 33% वुमेन को रिजर्वेशन देने की जो बात करते हैं ये आखिर स्टार्टिंग कहाँ से होता है, इसका रूट क्या है. इट वॉज द इनेक्टमेंट ऑफ द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन 1993 विच लेड द ग्राउंड फॉर द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल. इसका जो रूट है वो 1993 में 73rd और 74th अमेंडमेंट जो किया गया था वहीं इसका रूट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था उस टाइम पर और उस टाइम पर जो पंचायत के लिए जो ये पंचायत का जो प्रोविजन किया गया था पंचायत में भी 33% का रिजर्वेशन स्टार्ट किया गया था, तो वहीं से वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात लोकसभा के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए की जाती रही है. द टू अमेंडमेंट्स विच इंट्रोड्यूस पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडी इन द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेड 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन दीज बॉडीज. इन 2006 बिहार बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत बॉडीज. क्योंकि जो 73rd और 74th अमेंडमेंट उस टाइम पर जो कॉन्स्टिट्यूशन का किया गया था उस टाइम पर अर्बन लोकल बॉडीज के लिए पंचायत के लिए वुमेन के लिए 1/3 सीट रिजर्व कर दी गई थी, और तभी से ये एक इशू बना रहा है कि ये जो रिजर्वेशन है ये लोकसभा लेवल पर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लेवल पर भी इसको इंक्रीज किया जाए.
बात अगर करें लोकल बॉडीज या फिर पंचायत की, तो बिहार एक ऐसा स्टेट बना जहाँ पर 33% की जगह पंचायत बॉडीज के अंदर 50% रिजर्वेशन वुमेन को वहाँ पर दिया गया। एट प्रेजेंट मोर देन 20 स्टेट हैव 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन एट द पंचायत लेवल। बात अगर पूरे इंडिया की करें, पंचायत अलग अलग स्टेट में जो पंचायत बॉडीज हैं, तो अबाउट 20 स्टेट ऐसे हैं जहां पर पंचायत में वुमेन को 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो प्रोविजन 33% का है, बट ये स्टेट 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन वुमेन को यहाँ पर दे रहे हैं। हाउ रिजर्वेशन हैज लीड टू ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिकल बॉडीज एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग। अगर वुमेन को इस तरह से रिजर्वेशन दे दिया जाता है तो वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, और पार्टिसिपेशन अगर बढ़ेगा तो वुमेन किस तरह से पॉलिसी मेकिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, किस तरह से वो डिसीजन मेकिंग में सोसाइटी के लिए क्या क्या उससे बेनिफिट हो सकते हैं। वुमेन इन्वेस्ट मोर इन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज डायरेक्टली रिलेवेंट टू द नीड्स ऑफ रूरल वुमेन, वाटर, फ्यूल एंड रोड्स। ऐसा माना जाता है कि वुमेन ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करने में बिलीव करती हैं, और रूरल एरियाज के अंदर, क्योंकि रूरल एरियाज में कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं जिन पर वर्क करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम, फ्यूल से रिलेटेड प्रॉब्लम, रोड से रिलेटेड प्रॉब्लम। इट मीन्स रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हमें बूस्ट करना है तो इसके लिए कहीं ना कहीं वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। वुमेन आर मोर लाइकली टू पार्टिसिपेट इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इफ द लीडर ऑफ दियर विलेज काउंसिल इज अ वुमेन। अगर विलेज की काउंसिल के अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है तो इससे पॉलिसी मेकिंग का जो प्रोसेस है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है वुमेन। ऐसा नहीं है कि ये लोकल लेवल पर, इंडिया लेवल पर अगर इस तरह से रिप्रेजेंटेशन वुमेन का बढ़ेगा तो पॉलिसी मेकिंग में वुमेन का जो रोल होगा वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इन अ बुक पब्लिश दियर फाइंडिंग्स ऑन ऑल वुमेन पंचायत इन महाराष्ट्र वेयर दे टू फाउंड दैट वुमेन लीडर्स गिव प्रायोरिटी टू वुमेन्स प्रॉब्लम। एक यहाँ पर एक बुक लिखी गई थी महाराष्ट्र के अंदर, उसका जो फाइंडिंग्स थी कुछ महाराष्ट्र स्टेट से रिलेटेड, वहाँ की जो पंचायत बॉडीज है तो वहाँ पर कुछ एनालिसिस किए गए थे। इस बुक में ये यहाँ पर राइट डाउन किए गए थे, तो उसमें ये आया कि वुमेन से रिलेटेड मैक्सिमम प्रॉब्लम को वुमेन लीडर ने ही सॉल्व किया है, उनको प्रायोरिटी दी है। व्हाट आर द मेन इश्यूज रिगार्डिंग द बिल। अभी जो ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट के अंदर, इस बिल के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो कौन कौन से इश्यूज हैं जो ओपोजिशन उसको सॉल्व करना चाहते हैं, या ओपोजिशन क्या क्या डिमांड यहाँ पर कर रहा है, ओपोजिशन के लिए क्या क्या इस बिल से रिलेटेड प्रेजेंट में प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। द ओपोजिशन हैज़ क्वेश्चन द लिंकिंग ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वुमेन रिजर्वेशन विद द पीरियडिकल डिलिमिशन एक्सरसाइज एज दिस वुड मीन अ प्रोलोंग्ड डिले इन द कोटा कमिंग इन टू फोर्थ। पहला क्वेश्चन ओपोजिशन का ये है कि ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है इसको डिलिमिटेशन एक्सरसाइज से क्यों जोड़ा जा रहा है, क्योंकि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो होती है वो 10 ईयर के बाद होती है। 2021 का डिलिमिटेशन एक्सरसाइज अभी हुआ नहीं है, 2031 में ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज शायद अगर होता है नेक्स्ट टाइम, तो इसका मतलब है कि 6-7 साल अभी ये बिल ये इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला है। अगर ये पास हो भी जाता है तो ये एक बहुत ज़्यादा डिले होगा इसको पास करने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए। अनदर इशू रेज्ड बाय द ओपोजिशन कंसर्न द क्वेश्चन ऑफ हैविंग अ सब कोटा फॉर वुमेन फ्रॉम ओबीसी। देखिए, अभी हमने इससे पहले हमने डिस्कस किया था एक पॉइंट कि एससी और एसटी के लिए जो रिजर्व सीट हैं वहाँ पर भी ये 33% का जो रिजर्वेशन वो अप्लाई होगा। इट मीन्स एससी एसटी के लिए जितना सीट्स है उन सीट का 33% वुमेन ही वहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकती हैं, बट ओबीसी के लिए प्रोविजन नहीं है। ओबीसी के लिए जितना रिजर्वेशन होता है या जितनी सीट हैं उन पर 33% का जो फॉर्मूला वो अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, ये ओपोजिशन का डिमांड है।
While there is reservation for SC/ST in the Lok Sabha and State Legislative Assembly, there is no separate reservation for OBC who constitute more than 40% of the population. Demand यह है कि SC/ST के लिए जो reservation है 33% का जो reservation दिया जा रहा है ये SC/ST पर तो apply हो रहा है but OBC के सब categorization पर ही apply नहीं हो रहा है. The main issue raised was whether this would mean that the women's quota would not be implemented until the 2033 census figure are available and deal meeting is subsequently done. Main जो issue है opposition की तरफ से वो यही है कि delimitation exercise अगर 2031 से पहले नहीं होता है तो क्या women को जो reservation दिया जाएगा 33% का reservation, क्या ये उस delimitation से पहले इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्या 7 ईयर का यहाँ पर वेट करना पड़ेगा? अगर ऐसा है तो ये क्यों है, इसको इमीडिएट तरीके से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कराया जा रहा है? द डिकेडल सेंसस ड्यू इन 2021 बट डिले ड्यू टू द COVID-19 पेंडेमिक इज जस्ट टू बी कंडक्टेड. अभी जो ये सेंसस होने वाला था ये 2021 में होने वाला था बट कोविड की वजह से इसको डिले कर दिया गया और ऐसा माना जा रहा है कि ये बहुत जल्दी इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा. However, the census and delimitation exercise would be done immediately after the general election. Government का कहना है कि general election के just बाद इस delimitation exercise और जो census है इसको complete कर दिया जाएगा. This means that women's reservation will not be possible for a few years at least. अभी जिस तरह से delimitation exercise start नहीं हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वुमेन का जो 33% का रिजर्वेशन है इसको अभी इम्प्लीमेंट होने में बहुत टाइम लगेगा. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू इज व्हाई हैव इंडिया कनाडा टेंशन वर्सेंड. व्हाट इज इशू? कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडू एलिज दैट एजेंट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट वर इन्वॉल्व इन द किलिंग ऑफ कैनेडियन नेशनल हरदीप सिंह निज्जर डिक्लेयर्ड अ टेररिस्ट एज द हेड ऑफ द खालिस्तानी टाइगर फोर्स इन इंडिया. KTF मीन्स खालिस्तानी टाइगर फोर्स. कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक एलिज किया था इंडिया को कि इंडिया ने इंडियन गवर्नमेंट के कुछ एजेंट ने कैनेडियन नेशनल के किलिंग करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है. ये कैनेडियन जो नेशनल यानी कैनेडियन कैंडिडेट जो है हरदीप सिंह निज्जर है इसका अभी कुछ दिन पहले किलिंग हुआ था. तो प्राइम मिनिस्टर का मानना है, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का मानना है कि इसमें इंडियन गवर्नमेंट का कुछ एजेंट का रोल है क्योंकि इंडिया जो है वो KTF को एक टेररिस्ट मानता है और इसका जो ये कैंडिडेट है हरदीप सिंह निज्जर इसको किलिंग कुछ दिन पहले हुआ था. निज्जर 45 वॉज शॉट डेड बाय टू मार्ड गनमैन एज ही लेफ्ट गुरुद्वारा इन सूरी इन जून दिस ईयर. निज्जर एक कैनेडियन सिटीजन है जिसका एज 45 इयर्स है. कुछ दिन पहले इसको 2 गनमैन ने किल कर दिया था. Despite the Canadian Prime Minister admitting that the investigation was still being pursued, his government had already decided to expel a diplomat from the Indian High Commission. अभी क्योंकि ये Canadian Prime Minister का यहाँ पर एक statement आया है और उसके बाद investigation यहाँ पर अभी भी continue चल रहा है तो दोनों तरफ से High Commission level भी यहाँ पर send किए गए हैं. हाउ डिड इंडिया रिएक्ट? इंडिया ने किस तरह से रिएक्ट किया है जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट आया है इससे रिलेटेड, तो इंडिया ने इस पर क्या रिएक्ट किया है? आफ्टर मिस्टर ट्रूडू स्पोक इन पार्लियामेंट इंडियन रिस्पॉन्डेड इन काइंड एंड एक्सपेल्ड अ कैनेडियन डिप्लोमेट. द कैनेडियन हाई कमिश्नर टू इंडिया वॉज इशूड अ डिमार्की ओवर द एलिगेशन. पार्लियामेंट के अंदर ट्रूडू ने जो कुछ कहा इंडिया ने उसका काइंड तरीके से रिस्पॉन्स दिया है और कैनेडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल्ड कर दिया है. कैनेडियन हाई कमिश्नर जो इंडिया में आया हुआ है उसको भी एलिगेशन से रिलेटेड डिमार्की यहां पर इशू कर दिया गया है. द MEA डिनाइड मिस्टर ट्रूडूज एलिगेशन कॉलिंग देम एब्जर्ड बट पॉइंटिंग आउट दैट नॉट जस्ट निज्जर मैनी पीपल वॉन्टेड फॉर खालिस्तानी सेपरेटिव वायलेंस इन इंडिया रिसीव्ड सेफ हेवन इन कनाडा.
हमारे इंडिया की तरफ से टूडू का जो एलिगेशन किया गया है इंडिया के लिए, तो इंडिया की तरफ से उसको एब्जर्ड डिक्लेयर कर दिया गया है और कहा है कि निज्जर ही नहीं, बहुत सारे यहाँ पर इंडियन पीपल हैं जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट वायलेंस को एक कैनेडियन के अंदर एक सेफ हेवन प्रोवाइड कराया जा रहा है ऐसा मानते हैं। बहुत सारे इंडियंस हैं जो ऐसा मानते हैं कि कनाडा खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को एक सेफ हेवन प्रोवाइड कराता है। इंडिया हैज ऑल्सो सस्पेंडेड वीजा सर्विसेज अक्रॉस कनाडा एंड विल नॉट एक्सेप्ट एप्लीकेशन फ्रॉम कैनेडियन एट एनी अदर मिशन वर्ल्ड वाइड साइटिंग सिक्योरिटी कंसर्न। इंडिया ने अभी कनाडा से जितने भी वीजा से रिलेटेड एप्लीकेशन आते थे उनको सस्पेंड कर दिया है और कोई भी वो कैनेडियन पर्सन का एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इसका जो रीज़न बताया वो सिक्योरिटी कंसर्न से रिलेटेड रीज़न बताया। व्हाट इज़ द रूट ऑफ इंडिया कनाडा टेंशन? इंडिया कनाडा टेंशन जो अभी प्रेजेंट में ग्रोइंग हो रहा है, तो उसका मेन रूट कहाँ से स्टार्ट होता है? टेंशन बिटवीन इंडिया एंड कनाडा ओवर द खालिस्तान इशू हैव ऑलवेज रन हाई एंड आर द प्राइमरी रीजन व्हाई नो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मेड अ बायलैटरल विजिट टू कनाडा बिटवीन 1973 एंड 2015 एक्सेप्ट मनमोहन सिंह हु विजिटेड टोरंटो इन 2010 फॉर द G20 समिट हेल्ड देयर। 1973 से लेकर 2015 के बीच में किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कनाडा का यहाँ पर कनाडा के लिए विजिट नहीं किया है। इसका यही वजह है कि टेंशन जो है वो कहीं ना कहीं खालिस्तान इशू को लेकर कंटिन्यू आज भी बना हुआ है। और 2010 में G20 समिट को अटेंड करने के लिए मनमोहन सिंह जी टोरंटो के अंदर विजिट किए थे। बाकी कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने 1973 से लेकर 2015 तक विजिट नहीं किया है, क्योंकि मेन इशू खालिस्तान को लेकर है। क्योंकि इंडिया मानता है कि कनाडा खालिस्तानियों को एक सेफ हेवन प्रोवाइड कराता है। दिस वॉज बिकॉज फ्रॉम द लेट 70s ऑनवर्ड द राइज ऑफ द खालिस्तान सेपरेटिव मूवमेंट इन पंजाब वॉज एकॉम्पनीड बाई एन इंक्रीजिंग सपोर्ट फॉर द मूवमेंट फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द सिख डियास्पोरा पर्टिकुलर इन कंट्रीज लाइक कैनेडा US एंड UK। इसका जो मेन वजह है, मेन वजह ये माना जाता है कि 1970s का जो डिकेड था उस टाइम पर पंजाब के अंदर खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे थे और ये जो मूवमेंट करने वाले जो लोग थे इन लोगों को कनाडा US और UK के अंदर जो सिख पीपल थे उनका इन्हें फुल्ली तरीके से सपोर्ट मिल रहा था। तो यहाँ से कहीं ना कहीं रिलेशन थोड़ा ख़राब होते हैं। वाइल इंडिया एंगेज एवरी कंट्री विद इट्स कंसर्न कनाडा प्रूव द मोस्ट डिफिकल्ट एज द कैनेडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिशियंस टुक द स्टैंड दैट मैनी इन द डियास्पोरा वर फ्लिंग ह्यूमन राइट्स वायलेशन बाई इंडियन सिक्योरिटी फोर्स इन पंजाब। कनाडा के जिस तरह से अभी हमने देखा कि कुछ सेपरेटिस्ट लोगों को कनाडा UK और US की तरफ से फुल्ली सपोर्ट मिल रहा था, कनाडा को छोड़कर US के साथ और UK के साथ जो इंडिया के रिलेशंस थे वो काफ़ी हद तक बेटर हुए हैं, बट कनाडा के साथ रिलेशन अभी भी बेटर तरीके से ट्रैक पर नहीं है। कनाडा गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ डियास्पोरा जो इंडिया से वहाँ पर चले गए थे कुछ लोग, तो उनको क्योंकि ये वो लोग थे मेनली जिनको इंडिया सिक्योरिटी के हिसाब से सूटेबल नहीं मानता था, तो वो उन कंट्री में जाकर बस गए और उन कंट्रीज में जाकर उन्हें एक सेफ हेवन मिला। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इंडिया रिक्वेस्टेड द एक्सट्रेडिक्शन ऑफ खालिस्तानी लीडर तलविंदर सिंह परमार इन 1982 कनाडा रिजेक्ट इट। इंडिया ने कहा था 1982 में कनाडा से कि वो खालिस्तानी लीडर तलविंदर सिंह को हमें सौंपे, बट कनाडा ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। अ फ्यू ईयर्स लेटर परमार मास्टर माइंडेड द बॉम्बिंग ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट 182 फ्रॉम टोरंटो टू मुंबई इन जून 1985 इन विच 329 वर किल्ड। अब इसका कुछ ईयर के बाद क्या हुआ, एक यहाँ पर बॉम्बिंग हो जाता है एयर इंडिया फ्लाइट 182 के अंदर जो कि टोरंटो से मुंबई की फ्लाइट थी। 1985 में ये एक इंसिडेंट होता है जिसमें 329 पीपल यहाँ पर किल हो गए थे।
इंडिया कनाडा रिलेशनशिप इन लास्ट 8 ईयर्स, अगर हम लास्ट 8 ईयर्स का देखें तो इंडिया और कनाडा के बीच स्पेशली जो मोदी गवर्नमेंट है यहाँ पर किस तरह से रिलेशन को बेटर करने की कोशिश की गई है। इवन दो मिस्टर मोदी अटेम्प्टेड अ रिसेट इन टाइज विद हिज विजिट टू कनाडा इन 2015, रिलेशन हैव बीन रॉकी। मिस्टर ट्रूडोज रिटर्न विजिट टू इंडिया इन 2018 वाज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सीज इंक्लूडिंग द अपीयरेंस ऑफ अ खालिस्तान सपोर्टर एट हिज डिनर रिसेप्शन। मिस्टर मोदी जी ने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कई बार अटेम्प्ट किए कि टाइज को रिसेट किया जाए और इसीलिए उन्होंने 2015 में कनाडा विजिट किया गया था और ये जो विजिट रहा है काफ़ी बेटर रहा और इसके ओपोज में यानी इसके बदले में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर टूडू भी इन्होंने भी 2018 में 3 साल बाद इंडिया विजिट किया था। लेकिन यहाँ पर कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हो जाती है जब एक खालिस्तानी सपोर्टर डिनर रिसेप्शन के टाइम पर उनके साथ यहाँ पर बैठा होता है। न्यू दिल्ली फ्रोज एंगेजमेंट विद ओटावा आफ्टर मिस्टर टूडू क्रिटिसाइज मिस्टर मोदी हैंडलिंग ऑफ द फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया इन 2020 एंड दे ओनली रीस्टार्टेड आफ्टर अ मोदी टूडू मीटिंग ऑन द साइडलाइंस ऑफ द G7 समिट इन जर्मनी इन 2022 फॉलोइंग विच द टू साइड्स बिगेन टू नेगोशिएट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ओटावा का जो एग्रीमेंट था, एंगेजमेंट जो हुआ था, न्यू दिल्ली ने उसको फ्रोज कर दिया था। बट यहाँ पर ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि 2020 में जो फार्मर प्रोटेस्ट इंडिया के अंदर चल रहे थे तो फार्मर के फेवर में टूडू ने एक अपना स्टेटमेंट दिया था फेवर में, इस वजह से न्यू दिल्ली ने ओटावा एंगेजमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रोविज़न थे उसको फ्रोज कर दिया गया था। बट आफ्टर सम टाइम G7 समिट होता है 2022 यानी लास्ट ईयर जर्मनी के अंदर, वहाँ पर मोदी और ट्रूडू का मीटिंग होता है तो जो भी रिलेशन बैड हुए थे, थोड़ा सा जो इम्पैक्ट पड़ा था ओटावा एंगेजमेंट से रिलेटेड जो प्रोविज़न थे उनको रीस्टोर यहाँ पर करने की कोशिश की गई और यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड यहाँ पर नेगोशिएशंस किए गए। आफ्टर द निज्जर किलिंग कनाडा कैंसल्ड अ ट्रेड डेलीगेशन विजिट टू दिल्ली एंड पुट FTA टॉक ऑन पॉज बिटवीन देम। इंडिया एंड कनाडा इशू 500,000 वीजा टू ईच अदर सिटीजन लास्ट ईयर। कनाडा एक्सेप्टेड 226,000 कैनेडियन इंडियन स्टूडेंट एंड द इंडियन डियास्पोरा इन द कनाडा टूडे स्टैंड एट 1.4 मिलियन। अब निज्जर का किलिंग के बाद कनाडा की तरफ से ट्रेड डेलीगेशन दिल्ली आने वाला था बट इसको कैंसिल कर दिया है कनाडा ने और जो FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड जो टॉक होने वाली थी उसको भी यहाँ पर पॉज कर दिया है। इसी बीच यहाँ पर जो वीज़ा से रिलेटेड प्रोविज़न थे उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बैन कर दिया गया है। बात अगर करें दोनों कंट्रीज से वीज़ा से रिलेटेड तो दोनों कंट्री की तरफ से लगभग 500,000 वीज़ा यहाँ पर एक्सेप्ट किए जाते हैं। इंडिया डिसीजन टू सस्पेंड वीजा टू कैनेडियन कुड सी रेसिप्रोकल एक्शन बाय कनाडा दैट वुड अफेक्ट 100,000 अवेटिंग दियर वीजा। क्योंकि इंडिया ने भी अब कैनेडियन का जो कैनेडियन की तरफ से जो वीजा एप्लीकेशन आ रहे थे उसको भी रिजेक्ट कर दिया है, इससे थाउजेंड्स ऑफ कैनेडियन को वीजा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। वट आर द रीजन फॉर राइजिंग ग्लोबल डेब्ट वाई इन न्यूज। ग्लोबल डेब्ट रोज टू एन ऑल टाइम हाई ऑफ $307 trillion इन द सेकेंड क्वार्टर बाय द एंड ऑफ June 2023 द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस सेड इन अ रिपोर्ट रिलीज लास्ट वीक। लास्ट वीक इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस IIF की तरफ से एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में सभी कंट्रीज पर कितना डेब्ट है उसके बारे में यहाँ पर एनालिटिकल दिया गया है। अबाउट $307 trillion का डेब्ट है पूरे वर्ल्ड के ऊपर, कंट्रीज के ऊपर। और ये जो रिपोर्ट है ये इस ईयर का जो सेकेंड क्वार्टर है यानी June 2023 तक का ये डाटा है। तो ये क्वार्टर होता है, ये जनवरी फरवरी मार्च फर्स्ट क्वार्टर हो गया, अप्रैल मई जून सेकेंड क्वार्टर हो गया। तो सेकेंड क्वार्टर तक पूरे वर्ल्ड के ऊपर $307 trillion का डेब्ट था, कर्ज था।
ग्लोबल डेब्ट हैज राइजन बाय अबाउट डॉलर 100 ट्रिलियन ओवर द लास्ट डिकेड। अगर हम लास्ट वन डिकेड यानी 10 ईयर की बात करें तो ग्लोबल डेब्ट जो इंक्रीज हुआ है वो 100 ट्रिलियन डॉलर तक इंक्रीज हुआ है। फर्दर ग्लोबल डेब्ट एज अ शेयर ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज स्टार्टेड टू इंक्रीज वंस अगेन टू हिट 336% आफ्टर ड्रॉपिंग क्वाइट स्टीपली फॉर 7 कंसेक्यूटिव क्वार्टर। अगर लास्ट 7 कंसेक्यूटिव क्वार्टर की बात की जाए तो जो डेब्ट था वो ड्रॉप हो रहा था, लेकिन अगर हम रिसेंटली क्वार्टर की बात करें, फर्स्ट सेकंड की अगर बात करें, इस ईयर का जो क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर चल रहा है, तो यहाँ पर 336% तक ये इंक्रीज हुआ है। व्हाट इज ग्लोबल डेब्ट? ग्लोबल डेब्ट है क्या? ग्लोबल डेब्ट रेफर टू द बोरिंग ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट बिजनेस एंड इंडिविजुअल। ग्लोबल डेब्ट का मतलब है कि गवर्नमेंट ने कितना बोरो किया है, साथ में प्राइवेट बिजनेसमैन और इंडिविजुअल ने कितना बोरो किया है, तो सारा ओवरऑल मिल करके ग्लोबल डेब्ट बन जाता है। और ये हर कंट्री पर अप्लाई होता है कि हर कंट्री की गवर्नमेंट ने कितना बोरो किया है, वहाँ के इंडिविजुअल्स प्राइवेट सेक्टर ने कितना बोरो किया है, तो सबको मिलाकर ग्लोबल डेब्ट बन जाता है। गवर्नमेंट बोरो टू मीट वेरियस एक्सपेंडिचर दैट दे आर अनेबल टू मीट थ्रू टैक्स एंड अदर रेवेन्यू। गवर्नमेंट क्यों बोरो करती है? क्योंकि उसके वेरियस एक्सपेंडिचर होते हैं, ताकि वो अपना अगर टैक्स उतना नहीं मिल पा रहा है, रेवेन्यू उसको उतना नहीं मिल पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए डेब्ट का हेल्प लेता है। गवर्नमेंट मे ऑल्सो बोरो टू पे इंटरेस्ट ऑन द मनी दैट दे हैव ऑलरेडी बोरो टू फंड पास्ट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को इसलिए भी बोरो करना पड़ता है क्योंकि उसको मनी पर इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है, और पास्ट में जितने भी एक्सपेंडिचर किए गए उसके लिए जितना भी उसने फंड बोरो किया था उसके रिपेमेंट के लिए भी या उसके इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए भी गवर्नमेंट को कभी कभी लोन बोरो करना होता है। प्राइवेट सेक्टर बोरो प्रीडोमिनेंटली टू मेक इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट सेक्टर जो बोरो करता है वो मेनली इन्वेस्टमेंट पर्पज से करता है। वाई इट इज राइजिंग? जो ग्लोबल डेब्ट है ये राइज हो रहा है, बट ये राइज क्यों हो रहा है, इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से ये राइज हो रहा है। बोथ ग्लोबल डेब्ट इन नॉमिनल टर्म एंड ग्लोबल डेब्ट एज अ शेयर ऑफ जीडीपी हैव बीन राइजिंग स्टेडली ओवर द डिकेड। अगर देखा जाए कि ग्लोबल डेब्ट स्टेडली तरीके से इंक्रीज होता जा रहा है, ग्लोबल डेब्ट नॉमिनल टर्म पर देखा जाए, ओवरऑल जो ग्लोबल डेब्ट है, या फिर एज ए जीडीपी शेयर के तौर पर देखा जाए, तो ये दोनों तरीके से कंटिन्यू राइज होता जा रहा है। द राइज केम टू अ हॉल्ट ड्यूरिंग द पेंडेमिक एज इकोनॉमिक एक्टिविटी टर्न्ड स्लगिश एंड लैंडिंग स्लोड डाउन। जो राइजिंग स्टार्ट हुआ है सबसे ज़्यादा वो पेंडेमिक की वजह से हुआ है, कोविड पेंडेमिक जो आया था, क्योंकि उस टाइम पर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लगिश हो गई थी और लैंडिंग स्लो डाउन हो गए थे। बट ग्लोबल डेब्ट लेवल इट सीम्स हैव स्टार्टेड टू राइज अगेन इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर। मोस्ट ऑफ द राइज इन ग्लोबल डेब्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर हैज कम फ्रॉम एडवांस इकोनॉमी सच एज US, UK, जापान एंड फ्रांस। ग्लोबल डेब्ट का जो लेवल ये इंक्रीज हुआ है ये लास्ट कुछ क्वार्टर से इंक्रीज हुआ है। बात अगर करें इस ईयर की, इस ईयर में क्योंकि 2 क्वार्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो इस क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर के अंदर जितना ग्लोबल डेब्ट बढ़ा है उसका 80% ग्लोबल डेब्ट बढ़ाने में जो रोल रहा है वो डेवलप्ड इकोनॉमी, जिसमें US, UK, जापान और फ्रांस आते हैं, 80% जो पार्टिसिपेशन है वो इनका है। अमंग इमर्जिंग इकोनॉमीज मार्केट इकोनॉमीज चाइना, इंडिया एंड ब्राज़ील हैव सीन द मोस्ट ग्रोथ इन डेब्ट। बात अगर करें इमर्जिंग कंट्रीज का, तो इमर्जिंग कंट्रीज में चाइना, इंडिया और ब्राज़ील ऐसे कंट्री रहे हैं जिनमें डेब्ट में ग्रोथ जो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है अदर कंट्रीज के कंपेयर में। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 टोटल ग्लोबल डेब्ट रोज बाय $10 ट्रिलियन। अगर हम लास्ट फर्स्ट हाफ की बात करें, इट मीन जून तक की अगर हम बात करें, इस साल के जून तक की, यानी 6 मंथ में ग्लोबल डेब्ट जो राइज हुआ है वो $10 ट्रिलियन का राइज हुआ है। दिस हैज हैपेंड एमिड राइजिंग इंटरेस्ट रेट विच वाज एक्सपेक्टेड टू एडवर्सली अफेक्ट डिमांड एंड लोन। ये जो राइज हुआ है इसका वजह रहा है इंटरेस्ट रेट का राइज होना, और इंटरेस्ट रेट जब राइज होता है तो इससे
लोन की जो डिमांड है वो एडवर्सली तरीके से इफेक्ट होती है। बट अ राइजिंग डेब्ट लेवल ओवर टाइम इज टू बी एक्सपेक्टेड सिंस द टोटल मनी सप्लाई यूजुअली स्टेडीली राइज ईच ईयर इन कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। क्योंकि जो ग्लोबली अगर कंट्रीज को देखा जाए तो वहाँ पर जो टोटल मनी की सप्लाई है वो इंक्रीज हो रही है, और क्योंकि इजीली तरीके से लोन आजकल प्रोवाइड हो जाता है हर कंट्री को, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि ग्लोबल डेब्ट इस तरह से बढ़ रहा है। इनफैक्ट इवन अ सिंपल राइज इन द टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग इन एन इकोनॉमी कैन कॉज अ राइज इन डेब्ट लेवल एज दीज इंक्रीज सेविंग आर चैनल्ड इन टू इन्वेस्टमेंट। कुछ कंट्री ऐसे होते हैं जहाँ पर सेविंग इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा होती है, उस सेविंग की वजह से वहाँ पर फिर इन्वेस्टमेंट को मोटिवेशन मिलता है, और जब इन्वेस्टमेंट जहाँ होगा तो वहाँ पर लोन वगैरह की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, जिससे ग्लोबल डेब्ट में इंक्रीज देखने को मिलता है। इज इट अ कॉज फॉर वरी? क्या ये जो ग्लोबल डेब्ट है ये वरी का कॉज है? क्या ये चिंता का एक वजह हो सकती है? क्या ये नुकसानदायक होता है कंट्री के लिए? राइजिंग ग्लोबल डेब्ट लेवल यूजुअली लीड टू कंसर्न अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ सच डेब्ट। अगर ग्लोबल डेब्ट राइज हो रहा है तो ये सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेब्ट के लिए एक कंसर्न है, क्योंकि डेब्ट से निकलना इतना आसान नहीं होता है। दिस इज पर्टिकुलरली सो इन द केस ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट विच इज प्रोन टू राइज रैपिडली ड्यू टू रेकलेस बोरिंग बाय पॉलिटिशियंस टू फंड पॉपुलिस्ट प्रोग्राम। क्योंकि कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो अपने पॉपुलिस्ट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, उसके लिए फंडिंग की नीड होती है, उसके लिए वो बोरो कर लेते हैं मनी। एंड वहन सेंट्रल बैंक राइज इंटरेस्ट रेट सर्विसिंग आउटस्टैंडिंग डेब्ट बिकम अ चैलेंज फॉर गवर्नमेंट विद अ हैवी डेब्ट बर्डन। कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देते हैं, और साथ में सर्विसिंग जो आउटस्टैंडिंग डेब्ट होते हैं वो भी गवर्नमेंट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाते हैं, जिससे हैवी बर्डन हैवी डेब्ट बर्डन देखने को मिलता है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट कैन इंक्रीज प्रेशर ऑन गवर्नमेंट एंड फोर्स देम टू आइदर डिफॉल्ट आउटराइट टू इन्फ्लेट अवे दियर डेब्ट। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाता है तो इससे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और कई बार डिफॉल्ट की कंडीशन आ जाती है। जनरली रैपिड राइजिंग प्राइवेट डेब्ट लेवल ऑल्सो लीड टू वरीज अमॉन्ग एनालिटिक्स अबाउट दियर सस्टेनेबिलिटी। दिस इज बिकॉज सच अ राइज इज लिंक टू अनसस्टेनेबल बूम्स दैट एंड इन इकोनॉमिक क्राइसिस सच एज लैंडिंग इज नॉट बैक्ड बाय जेन्युइन सेविंग। प्राइवेट सेक्टर अगर डेब्ट की सिचुएशन में चला जाता है और वो रिपे नहीं कर पाता है, तो इससे कई बार ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं। अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया जाएगा। द मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल ऑफ द सेम वॉज इन 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। द क्राइसिस वॉज इमिडिएटली प्रिसीडेड बाय एन इकोनॉमिक बूम फ्यूल्ड बाय द US फेडरल रिजर्व इजी क्रेडिट पॉलिसी। 2008 के अंदर जो ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस आया था, तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इशू इज तमिलनाडु केरला टू ज्वाइन हैंड्स टू काउंट एंडेंजर्ड नीलगिरी थार। यहाँ पर हम एंडेंजर्ड नीलगिरी थार के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ये प्री एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। आफ्टर लॉन्चिंग प्रोजेक्ट नीलगिरी थार लास्ट ईयर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द स्टेट एनिमल तमिलनाडु इज नाउ वर्किंग ऑन ए स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल टू काउंट द एंडेंजर्ड पॉपुलेशन ऑफ सदर्न इंडियाज ओनली माउंटेन उंगलुएट। लास्ट ईयर तमिलनाडु ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट नीलगिरी थार। तो ये जो प्रोजेक्ट था ये तमिलनाडु ने इसको लॉन्च किया गया था, क्योंकि तमिलनाडु का ये एक स्टेट एनिमल भी है। बट अब तमिलनाडु ये कोशिश कर रहा है कि इसका एक्चुअल पॉपुलेशन कितना है स्टेट के अंदर, उसको काउंट किया जाए, क्योंकि एक एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्री एग्जाम में पूछा जा सकता है। की पॉइंट्स, फॉर द फर्स्ट टाइम ड्रोन में बी यूज इन द सेंसस एज नीलगिरी थार प्रिपर माउंटेन ग्रासलैंड विद स्टीप एंड रॉकी टेरेन एट एन एल्टीट्यूड बिटवीन 300 मीटर एंड 2600 मीटर अबव सी लेवल। पहली बार ये हो रहा है कि नीलगिरी थार का जो सेंसस है वो ड्रोन के थ्रू किया जाएगा। नीलगिरी थार जो होता है वो माउंटेन ग्रासलैंड को प्रीफर करते हैं, और जो स्टीप एंड रॉकी टेरेन इलाका है जो कि
हंड्रेड से लेकर 2600 मीटर तक का जो हाई लेवल एरिया है वहाँ पर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। देर आर बिलीव टू बी अ लिटिल ओवर 3100 ऑफ द एनिमल लिविंग इन हाईली फ्रेगमेंटेड हैबिटेट इन द वेस्टर्न घाट इन तमिलनाडु एंड केरला रेंजिंग बिटवीन द नीलगिरी इन द नॉर्थ एंड इन कन्याकुमारी हिल इन साउथ अकॉर्डिंग टू अ 2015 का जो डाटा है उस डाटा के अकॉर्डिंग ये माना जा रहा है कि अबाउट 3100 नंबर है इनका इन एनिमल का और ये हाईली फ्रेगमेंटेड हैबिटेट में मिलते हैं। स्पेशली जो वेस्टर्न घाट वाला जो पार्ट है वहाँ पर ये मिल जाएंगे बिटवीन द नीलगिरी इन द नॉर्थ एंड कन्याकुमारी हिल इन द साउथ। नॉर्थ में नीलगिरी से लेकर के साउथ में कन्याकुमारी के बीच में जो रेंज है वेस्टर्न घाट की वहाँ पर ये मिल जाएंगे। बिसाइड एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स नीलगिरी थार हैबिटेड फेस थ्रेड्स फ्रॉम इन्वेजिव प्लांट सच एज वेटल्स पाइन्स एंड यूकेलिप्टस इन द ग्रासलैंड। क्योंकि ये जो स्पीसीज है ये एंडेंजर की कंडीशन में है और इसका एंडेंजर होने का जो वजह रहा है वो एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर रहा है और साथ में कुछ इन्वेजिव प्लांट भी हैं जो इसके नंबर को डिक्रीज करने में रोल प्ले करते हैं। अब कुछ प्लांट जैसे कि वेटल्स हैं पाइन्स हैं यूकेलिप्टस हैं तो ये कुछ प्लांट हैं जो इनके स्पीसीज को कम करने में काफ़ी रोल रहा है। अ कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट नीलगिरी थार एम टू स्टडी द पॉसिबल कॉज ऑफ लंपी स्किन डिसीज दैट हैज बीन ऑब्जर्व इन द एनिमल एंड सजेस्ट अ रेमेडी फॉर इट। अभी जो ये सेंसस किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है ताकि जो लंपी स्किन डिसीज प्रेजेंट में चल रहा है उसके पॉसिबल कॉज क्या क्या हो सकते हैं, क्या ये जो लंपी डिसीज है क्या इन एनिमल के अंदर भी है, उसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं, तो ये सब स्टडी करने के लिए भी ये सेंसस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।